कैसे हो सब। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अमेरिका और वर्ल्ड की एक सबसे खूबसूरत और सबसे टैलेंटेड सिंगर टेलर स्विफ्ट के बारे में, जिनका हर एक गाना लॉन्च होते ही बिलबोर्ड की टॉप लिस्ट में आ जाता है, और जिन्होंने काफ़ी कम उम्र में ही म्यूज़िक इंडस्ट्री के कुछ सबसे प्रीशियस अवार्ड्स को गेन कर लिया है, जैसे कि ग्रैमी, बिलबोर्ड और अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड भी। तो आज हम इस वीडियो में उनके बारे में, उनकी पूरी लाइफ के बारे में जानेंगे। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 13 दिसंबर 1989 को, जब यूएसए पेंसिल्वेनिया की एक छोटे से सिटी में, जिसका नाम है रीडिंग, वहां पर टेलर एलिसन स्विफ्ट का जन्म हुआ। अगर टेलर स्विफ्ट के पेरेंट्स की बात की जाए तो उनके फादर का नाम स्कॉट किंग्सले स्विफ्ट है, जो कि प्रोफेशन से एक फाइनेंशियल एडवाइज़र का काम करते थे, और वहीं उनकी माँ का नाम एंड्रीना स्विफ्ट है, जो कि प्रोफेशन से एक होम मेकर है, और साथ ही साथ उनके एक छोटे भाई भी है जिनका नाम है ऑस्टिन स्विफ्ट। अगर टेलर स्विफ्ट की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एल्वेरेनिया मॉन्टेसरी स्कूल से कंप्लीट की, और वहीं जब उनकी फैमिली को शिफ्ट होना पड़ा तो बाद में जाकर वो व्योमिसिंग नाम की एक जहां पर शिफ्ट हो गए, और वहीं पर व्योमिसिंग एरिया हाई स्कूल से अपनी बाकी की पढ़ाई कम्प्लीट की। टेलर बचपन से ही म्यूज़िक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, और म्यूज़िक के साथ साथ ही उनका पोएट्री में भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लगता था, क्योंकि एक तरह से देखी जाए तो म्यूज़िक और सिंगिंग भी पोएट्री से ही जन्मी है। सिंगिंग में भी उन्हीं सब वर्ड्स और रिदम का ही यूज़ होता है जो हम ज़्यादातर पोएट्री में यूज़ करते हैं, और अपने पोएट्री में इतना अच्छा होने के कारण उन्होंने महज 9 साल की उम्र में ही नेशनल पोएट्री कॉन्टेस्ट को भी जीत लिया था। टेलर स्विफ्ट बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे सिंगिंग, एक्टिंग और पोएट्री में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेती थी, जिसके कारण बाद में उन्होंने यूथ थिएटर एकेडमी को भी ज्वाइन कर लिया था, और समय समय पे वो काफ़ी सारे शोज और थिएटर वगैरह किया करती थी, जिसके लिए उन्हें बार बार न्यूयॉर्क जाना पड़ता था, और काफ़ी बार उन्होंने लोकल फेस्टिवल और इवेंट्स में भी परफॉर्म किया, और इसी के साथ ही उनका सिंगिंग करियर भी काफ़ी अच्छा चल रहा था, जिसके बाद वो और उनकी मदर नैशविल रिकॉर्ड कंपनी के पास अपने गाने और अपने जितने भी म्यूज़िक रिकॉर्ड्स थे वो लेके गए, ताकि वो उसे और आगे ले जा सके, लेकिन नैशविल लेवल्स ने उन्हें साफ साफ ही रिजेक्ट कर दिया। लेकिन उसके बाद भी इतनी छोटी उम्र वाली टेलर स्विफ्ट ने हार नहीं मानी, और बाद में जब वो 12 साल की हुई तो उन्होंने एक लोकल गिटारिस्ट से गिटार बजाना भी सीख लिया। बचपन से ही पोएट्री में काफ़ी अच्छा होने के कारण टेलर स्विफ्ट को सॉन्ग्स लिखने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ करती थी, वो अच्छे से और बड़ी आसानी से रिदम बना लिया करती थी, और इसी के वजह से ही 2003 में ही एक न्यूयॉर्क बेस्ड म्यूजिक मैनेजर के साथ मिलकर उन्होंने गाने लिखना शुरू कर दिया था, और उसके बाद ही RCA रिकॉर्ड्स नाम की एक कंपनी के लिए उन्होंने काफ़ी सारे ओरिजिनल सॉन्ग्स भी लिखे। टेलर स्विफ्ट के बढ़ते कैरियर को देखकर नेशनल रिकॉर्ड्स ने एक बार फिर से टेलर स्विफ्ट को अपने पास बुलाया, और इस वक्त तक टेलर स्विफ्ट की उम्र सिर्फ 13 साल थी, और उनसे म्यूज़िक और सिंगिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया, और बस यहीं से टेलर स्विफ्ट का कैरियर निकल चुका था। बाद में जाकर उन्होंने नेशनल में ही रहते हुए काफ़ी सारे और बड़े सिंगर से मिलकर म्यूज़िक की बारीकियाँ सीखी, और साथ ही साथ अपने हायर स्टडीज़ और ग्रेजुएशन को भी कम्प्लीट कर लिया। उसके बाद 2005 आते आते उन्होंने बिग मशीन रिकॉर्ड्स नाम की एक म्यूज़िक कंपनी के साथ फिर से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और इसके बाद से ही उन्होंने अपने खुद के ओरिजिनल एल्बम पे काम करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद ही 24 अक्टूबर 2006 आते आते उन्होंने फाइनली अपना एल्बम लॉन्च किया, जिसका नाम था टेलर स्विफ्ट, और उसमें कुल 11 गाने थे, और इस एल्बम के लॉन्च होते ही ये बिलबोर्ड टॉप 200 की लिस्ट में 5 नंबर पे रैंक करने लगी, जिसके बाद ही 150 से भी ज़्यादा हफ्तों तक ये उस चार्ट पर रैंक करते रहे, और 2016 आते आते पूरे वर्ल्ड वाइड इस एल्बम की 7.75 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपी सोल्ड की गई, और उसके बाद से ही 2008 आते आते उनकी सेकेंड एल्बम भी लॉन्च हुई, जिसका नाम था फियरलेस, और ये एल्बम भी पिछली वाली की तरह सुपर हिट साबित हुई, और अगर उनकी कुछ अचीवमेंट्स की बात की जाए तो उन्हें उनकी फर्स्ट एल्बम के लिए ही बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर्स और साथ ही साथ अमेरिकन सिंगर ऑफ द ईयर्स के भी अवार्ड मिले,
और उसके बाद 2009 में उनके गाने यू बिलोंग विथ मी म्यूजिक वीडियो के लिए उन्हें MTV वीडियोस म्यूजिक अवार्ड फॉर द बेस्ट फीमेल वीडियो भी मिला। और फिर फाइनली 2010 के ग्रैमी अवार्ड्स में उन्हें एल्बम ऑफ द ईयर, बेस्ट कंट्री एल्बम, बेस्ट कंट्री सॉन्ग, बेस्ट फीमेल कंट्री वोकल परफॉर्मेंस का भी अवार्ड मिला। और उसको देखते ही देखते आज टेलर स्विफ्ट ना सिर्फ USA बल्कि पूरे वर्ल्ड की एक सबसे जानी मानी और चहेती सिंगर बन चुकी है। और क्या आपको पता है कि टेलर स्विफ्ट ने अपनी बॉडी पार्ट, अपने लेग का इंश्योरेंस करवा के रखा है जिसकी टोटल वर्थ है $40 मिलियन। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और ये फैक्ट इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना और इस वीडियो को लाइक करके भी ज़रूर जाना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर देना, हम आपके लिए ऐसे अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहेंगे। तब तक के लिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।